हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 75 डेज सीयूईटी के इस कोर्स में जनरल टेस्ट की ये क्लास होती है रोज सुबह में। उस दिन की करंट अफेयर्स, उसकी कुछ और आगे की हिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस और जीके की क्लास, मतलब सारे फैक्ट्स आपको, 500 से ऊपर फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में इतने ही लिमिटेड टाइम में मैं रिवाइज करवाऊंगा। सुबह का टाइम रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, इसलिए आपको सब कुछ याद करना है और देखना है। पहले देख लेते हैं करंट अफेयर्स। डाटा गोपनीयता दिवस यानी डाटा प्राइवेसी डे कब मनाते हैं? तो डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाते हैं? इंडियन न्यूज पेपर डे, तो ये 29 जनवरी को मनाते हैं, इंडियन न्यूज पेपर डे। मेरे प्यारे साथियों, हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जरूर डाउनलोड करिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो दुनिया के अभी के रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ है बर्नार्ड आर्नोल्ड, उसके बाद है एलन मस्क और उसके बाद है जेफ बेजोस। तो 1, 2, 3 का नाम मैंने दे दिया। 3 पे है जेफ बेजोस अमेजन वाले, दूसरे पे है एलन मस्क टेस्ला वाले, और फर्स्ट है आर्नोल्ड, आ गए हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। तो ये 1, 2, 3 का गेम चलता रहता है। देखो इनमें भी कितना कॉम्पिटिशन है, इस चीज को समझो। अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है तो उसको भी रेस रहती है कि भाई कैसे हम फर्स्ट पे पहुंच जाए, कैसे सेकंड पे पहुंच जाए, कैसे इससे आगे बढ़ जाए। और हम लोग हैं कि ठंडी आ गई तो सोए हुए हैं। यार देखो, ठंडी गर्मी मौसम आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में अपने आप को जोश में रखना और अपने आप को मोटिवेटेड रखना। सो चीर डालो इस एग्जाम के प्रश्न पत्र को। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए देगी? आरईसी लिमिटेड ये देगी आपको 1.2 लाख करोड़ रुपए। रूफटॉप सोलर लगाने जा रही है मोदी सरकार 1 करोड़ घरों पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार अभी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, और ये देश में सबसे बड़े ज्यादा बार है। ठीक है, मतलब इनके जो इनकी जो टीम है, मतलब ये मुख्यमंत्री जो है वो इसलिए बनते हैं कि कोई दूसरा पार्टी सपोर्ट करता है, क्योंकि मेजोरिटी में नहीं है। अगर इनके पास 50% सीट होता तो ये मेजोरिटी में होते, तो कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ इनका ये गेम चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री यही रह रहा है, तो बिहारियों को टिकने आता है कैसे टिका जाए, और ये टिके हुए तो ये टिकने का रिकॉर्ड बनाते हैं 9वीं बार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री। चलो बाकी मिनिस्ट्री को तो हम लोग देख लेंगे। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको गया? रणबीर कपूर को। 69वां बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको गया? रणबीर कपूर। आईसीसी क्रिकेट बोर्ड पर सस्पेंशन एंड किया गया है किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो बोर्ड है, मुझे आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट याद आ रहा है, नहीं आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये श्रीलंका पे ये सस्पेंशन हटा दिया गया है, और रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिला है। साथ ही साथ 69th फिल्म फेयर अवार्ड का जो और भी डिटेल है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। कौन सा देश परमाणु प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो ये जापान बहाने वाला है 54,000 टन जो है परमाणु में जो लिक्विड कचड़े होते हैं ना उनको प्रशांत महासागर में, तो आपने देखा होगा जापान का मैप मैं दिखाऊंगा अभी, वो बहा देगा। हाल ही में किसी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। पेमेंट एग्रीगेटर का अंदर मतलब वो अपने ही ऐप के साथ पेमेंट ले सकता है, लेन देन कर सकता है। तो ये जोमैटो को भी मिल गया, आपने देखा होगा बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर हैं जो जमा करते हैं अपने पेमेंट, अपने ले सकते हैं, तो ये है जोमैटो। किसने नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के डायमंड जुबली का उद्घाटन किया? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा उसके कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। और ये डायमंड जुबली का जो सेलिब्रेशन है ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तांसिक शुरू हुआ है? सऊदी अरब। अब हमने कुछ दिवस याद किए थे, तो पहले पूरा दिवस रिवाइज कर लेते हैं। देखो जीके फुल फ्लेज रिवाइज करना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, नोट करते जाओ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लूट लुवा करके टेलीग्राम ज्वाइन करके। 1 जनवरी डीआरडीओ का स्थापना दिवस है। क्या है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को क्या? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। देखो माइंड के साथ साथ बॉडी अगर वेलनेस में है, फिट है, फाइन है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी महायान नववर्ष दिवस। और जो है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस। ठीक है, और जो है आपको समझा दें हम उसके आगे, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। 19 जनवरी को आपको आंसर बताना है, 19 जनवरी को हमने कौन सा दिवस बताया था। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। 24 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 26 जनवरी हमने बताया था रिसेंट में, और ये जो शिक्षा दिवस है इसका है अस्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस।
अस्थाई शांति, ना कि अस्थाई, ये भी टाइपिंग एरर है। और देखो हमने आपको करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाई, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को रिवाइज करो ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। किसने 43 साल के सबसे उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर वन बनकर इतिहास रच दिया? तो रोहन बोपन्ना 43 साल के उम्र में, मतलब एक सिंगल होता है एक डबल होता है इनके गेम में, ठीक है, लॉन टेनिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो रोहन बोपन्ना के साथ एक और हैं उसी एज के, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 43 इयर्स के एज में वो खेल रहे हैं। पहली बार किस देश में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी जाएगी? तो ये दी जाएगी कहाँ पे, अमेरिका में। हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार महिला की विश्व चैंपियन चीन की वन जून को हराया? आर प्रज्ञानंद ने। साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की इंदौर में विमल माजरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिया है इन्होंने, कौन सा पता, गोल्ड मेडल। अब देखो सऊदी अरब में भाई दारू के ऐसे शॉप लग जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको बर्फ और ग्लास लेकर के वहां पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां ये दारू तो मिल गया है, डिप्लोमेटिक स्टोर में मिल जाएगा, सब जगह नहीं है, वहां खत्म कर देते हैं तुरंत अगर कोई गुनाह करोगे आप। तो किस राज्य की मुनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला? तो अरुणाचल प्रदेश। सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर आपने देख लिया। पद्म विभूषण इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और देश की सबसे जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? सौम्या तिवारी। आई थिंक ये चीजें क्लियर है आपको। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस प्रसन्न वी वराले को नया न्यायाधीश बनाया गया है। क्लीन एंड क्लियर आपको याद हो गया ये सारी चीजें। ये है गोल्डन टाइगर, मतलब ऐसा देखो मस्त वाला टाइगर है ये। और ये कहाँ पाया गया है आपको याद होगा तो मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है, मैंने कल ही आपको बताया है, ठीक है कि नहीं। ये इतना प्यारा सा टाइगर है कि देख के इसको लगता नहीं है कि टाइगर है, ये इतना क्यूट है। तो मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। और कल के करंट अफेयर्स में जैसे जो पहला यूनिकॉर्न अगर हम देखें, जो AI कंपनी है, तो वो है कृत्रिम AI। भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में। और अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने जेनरिक दवाओं के लिए जाइडस को मंजूरी दी है। एयरफोर्स पदक से सम्मानित किया गया निकिता मल्होत्रा को। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बन गई है। DGCA जो है एयर इंडिया पे 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाई है। आपको ये समझना है, तेज इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपके फायदे की बात है, एग्जाम में बहुत कम डेज बचे हैं, ठीक है जी। सो ये 75 दिनों में PG का कार्यक्रम समाप्त करवा देना, फिर से UG के लिए 75 डेज का अलग से चैलेंज आएगा और उसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। अब आ जाते हैं आपके लिए जो हमने मैप रखा है और जिन जिन देशों की हमने बात की है, ध्यान से देखिए। श्रीलंका की बात हुई है, जापान की बात हुई है, संयुक्त अरब की बात हुई है, मतलब जो सऊदी अरब है, ठीक है। सो आपको तीनों देश मैं दिखाऊंगा और जल्दी से आ जाओ, लपक लो सारे देशों को इससे पहले कि आप भूल जाओ, सब कुछ याद कर लो। देखो सबसे पहला जापान को देखते हैं, क्यों ये पैसिफिक ओशियन में 54,000 टन का न्यूक्लियर जो गार्बेज है वो इस पे सीपेज के तहत या इसको भा देगा, सीधा समझो। ये कौन सा है जगह, आपको पूरा वर्ल्ड मैप पहले क्लियर कट समझा दूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। मेरा काम है अगर वर्ल्ड मैप देख रहे हो तो उससे जुड़े ज्योग्राफी के सारे पार्ट्स याद कर डालो, आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप क्योंकि जरूरी नहीं है कि, देखो सबसे पहले जो है जापान है, तो जापान की राजधानी टोकियो है और येन यहाँ की करेंसी है, क्या नाम है उसका, येन। और टोकियो यहाँ की जो है ये राजधानी है। यहाँ पे अभी बड़ी जबरदस्त भूकंप आई थी, यहाँ एरोप्लेन में आग भी लगी थी, आपने देखा था, वो जाकर के टकरा गया था। कई सारी महत्वपूर्ण चीजें अचानक हुई, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है, फुमियो किशिदा अभी के प्राइम मिनिस्टर है, पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है, याद होगा आपको, पक्का याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो जापान ऐसे ही बहुत न्यूज में चल रहा है। और जापान और अमेरिका के बीच में सुरक्षा ट्रीटी है, मतलब कोई भी देश जापान पे हमला करेगा तो वो ऑटोमेटिक है कि वो अमेरिका उसको फोड़ डालेगा। ये इसलिए है क्योंकि इसने इस पे परमाणु हमला से, परमाणु अटैक, मतलब एटम बम गिराया था, लिटिल मैन एंड फैट बॉय। अब ये 6 अगस्त को जो गिराया था वो कहाँ गिराया था, हिरोशिमा पे, याद कर लो फटाफट से। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को कहाँ गिराया था भैया, तो ये गिराया था नागासाकी। अब ये याद कैसे होगा, आप सोचोगे सर ये 9 से नागासाकी रिलेट कर लो, 9 हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा याद करने में, ठीक है। तो बाकी जो बच गया वो 6 है। तो दो जो एटम बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था, लिटिल मैन, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, आई थिंक यही था कि लिटिल मैन फैट बॉय ऐसा ही था, ठीक है। सो याद रखिएगा जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ये है। अब ये आपके पास चिंता का विषय ये है कि ये अपने न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है, आप देखोगे जब फुकुशिमा, यहाँ देखो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर है इनका, इसी तरीके से और भी है, सेंडाई है, जगह का नाम है आपको ये नहीं याद रखना। यहाँ से ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है,
तो आपको ये भी याद होगा कि पैसिफिक ओशियन में दुनिया का सबसे गहरा जगह है चैलेंजर डीप, उसका नाम है क्या नाम है, चैलेंजर डीप, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। बात समझ में आ गया आपको, क्या नाम है इसका, चैलेंजर डीप। अब ये 11,000 आई थिंक मतलब 11,000 से भी डाउन है, 11 और 12,000 के बीच में इसकी गहराई है, ऊंचाई तो नहीं कह सकते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन में जापान जो है ये धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर कचरा फेंक देगा। तो आपने आई थिंक जापान समझ गया। अब यहाँ पे कुछ और चीजें समझ लेते हैं, जैसे ईस्ट चाइना सी, चाइना सबको कहता है कि अपना है, तो ये ताइवान है या फार्मोसा स्ट्रेट है। अच्छा, एक देश जो हमेशा न्यूज में रहता है, वो हमेशा बार बार कहता है न्यू, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ये हमेशा किसी ना किसी को धमकाता रहता है, इसका काम है धमकी देते रहना। अब ये पता नहीं किसी पर अटैक भी कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ, प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। इसको भी याद करने का तरीका क्या है, एस से साउथ कोरिया है और सियोल है, तो इसको जब आप याद करोगे तो इनको दोनों के बीच में ये बाउंड्री लाइन है। पहले ये दोनों एक ही पेनिनसुला था, ये कोरियन पेनिनसुला कहते हैं इसको, कोरियन स्ट्रेट भी है यहाँ पे। लेकिन आपको याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो तानाशाही कंट्री है, और ये हमेशा कभी अमेरिका को मारने की धमकी देता है, कभी बगल वाले देश को उड़ा जाने की धमकी देता है, और ये देता रहता है। अभी तक तो इसने कुछ किया नहीं है वैसा, वैसे ये करेगा तो खुद भी नहीं बचेगा, है ना। तो क्लियर कट मामला ये है कि आपको ये सब एरिया जो डिस्टर्ब है, जो न्यूज में रहता है, उसको याद रखना है। तो दोनों की करेंसी, करेंसी रुपया वाला ये क्या है, वन है करेंसी, याद रहेगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हमने देख लिया। देखिए एशिया को तो एकदम रट डालो आप, एशिया के हर एक देश जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चीन है, चीन को इंपॉर्टेंट देश आप मान के चल सकते हो, है किसी काम का नहीं वो, लेकिन मान लो। तो चीन की राजधानी है कहाँ पे, बीजिंग, और बीजिंग में दो बैंकों का, इंपॉर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। अब ये ब्रिक्स जो है क्या है, BRICS, तो इसमें अभी नए मेंबरों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जल्दी बताइए वो नए मेंबर कौन है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको समझते हैं कि ये इंडिया के केस में जो अभी डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा था उसको थोड़ा देखते हैं। ये दुनिया है गोल और इसी में हो जाते हैं सभी गोलम गोल। ये है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया आपको ये दिख रहा होगा आई थिंक, ये रियाद इसकी राजधानी है और ये पूरा है सऊदी अरेबिया। अब देखो इधर का ये सबसे बड़ा सुन्नी कंट्री है, ठीक है। दोनों तरफ, एक तरफ रेड सी है यानी लाल सागर, लाल सागर को लाल सागर क्यों कहते हैं, शैवाल की वजह से, लाल शैवाल है यहाँ इसलिए इसको लाल सागर कहते हैं। ये है पर्सियन गल्फ यानी ईरान इस तरफ है, और सऊदी अरेबिया ये है सिया कंट्री, आप लोग जानते होंगे ये सब चीज। अब आ जाते हैं, ये जो सऊदी अरेबिया है ये डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया के साथ। तो यहाँ पे छोटे छोटे देश जैसे देख लो, कतर है, बहरीन है ना, उसके बाद जो है बहुत छोटे छोटे देश भी है, जैसे कुवैत है यहाँ पे, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, मैंने आपको बार बार बताया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट है, क्योंकि ये सब जो जगह है ये सब पोर्ट के लायक है। ये है ओमान जिसकी राजधानी क्या है, मस्कट, और अगला गल्फ ऑफ ओमन है। उसकी तरीके से यमन है, यमन की राजधानी क्या है, सना, और इसी में हूथी रिबल्स, हूथी विद्रोहियों का नाम सुना होगा आपने, ये यहीं से रॉकेट सीधा मार दे रहे हैं कोई भी शिप है। कल ही ब्रिटेन का एक शिप उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। इन लोगों को लग रहा है बहुत मजाक कि हाँ मार के गिरा दे रहे हैं, कोई इधर से आएगा नहीं तो हमारा इसराइल को सपोर्ट हो जाएगा। बेवकूफ देश है सबके सब, इनको ऐसा लग रहा है बट ऐसा है नहीं, है ना। बात आप लोग आई थिंक समझ रहे हो ये चीज, जी हाँ बिल्कुल। अब समझते हैं कि ये यमन की राजधानी सना हो गई, ओमान की राजधानी मस्कट हो गई, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद हो गई। सऊदी अरेबिया की करेंसी आपको हमें बताना है। देखो भारत से बहुत लोग जो है काम के लिए जाते हैं यहाँ पे, एक्चुअली काम के लिए क्या जाते हैं सऊदी अरब में, जैसे आप एक बात सोचो, भारत में बिहार नहीं होता तो पूरे भारत में बिहार से लेबर सप्लाई होती है, मतलब जो लेबर होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले वो बिहार से जाते हैं। देखो भाई यहाँ अगर नहीं है वो चीज़, सच्चाई है यही, तो यही है, ये सब लोग कह रहे हैं, मैं अकेले थोड़ी ना कह रहा हूँ। बिहार से जाते हैं लेबर, अगर बिहार से मान लो बिहार में ही सारा व्यवस्था होता तो बिहार से कोई माइग्रेट नहीं करता, बिहार से कोई जाता नहीं, और जब ये बिहार से लेबर सप्लाई नहीं होता तो भारत में जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, या इन सब जगहों पे जो फैक्ट्री या बम्बई में, इन सब पे लेबर आते कहाँ से, आप सोचो, इन सब पे लेबर आते दूसरे देशों से, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, जैसे बांग्लादेश से लेबर को वीजा दे के मंगाना पड़ता, ठीक है, ये बात समझो आप, बांग्लादेश से मंगाना पड़ता, हो सकता है नेपाल छोटा देश है तो उससे हमें मजदूरों को मंगाना पड़ता। तो क्योंकि अभी यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि बिहारियों को ले जा सकते हैं, बिहार के लोगों को ले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब अधिकतर लोगों को, जो चूंकि नेताओं ने यहाँ किसी को पढ़ने दिया नहीं तो लेबर तो क्लास बनेंगे ही। अब समझो आप ये चीज,
कि सऊदी अरेबिया में क्या है कि बिहार यूपी या और भी जो यहाँ के लोग हैं वो इनके यहाँ के लोग कोई लेबर का काम करता नहीं है, छोटा मोटा काम कोई नहीं करेगा। ये लोग क्या करते हैं, पैसा है इनके पास तेल बेच करके या किसी भी तरीके से बिजनेस करके, और ये उसी पैसे को, पैसे से पैसा अपना जो करते हैं बिजनेस करते हैं या और भी काम करते हैं, लेकिन ये छोटा मोटा काम करते नहीं। तो ये लेबर कहाँ से मंगाएंगे, इंडिया जैसे लो डेवलपिंग कंट्री। आपने अभी सुना होगा इजराइल, इजराइल भी इधर ही है बगल में। ये देखो वेस्ट एशिया इसको कहते हैं, ठीक है, और मिडिल ईस्ट कहता है अमेरिका इसको। तो आपने भी कभी सुना होगा कि मिडिल ईस्ट कौन है भाई, तो यही है मिडिल ईस्ट। ये उनके हिसाब से मिडिल में है और ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न तो है ये हेमिस्फीयर और ये मिडिल में है, समझ गए आप। तो ये हमेशा झगड़े का यहाँ मतलब एक जगह बना रहता है। तो इजराइल ने भी डिमांड किया है 1 लाख भारतीय सैनिक, अच्छा खासा तनख्वाह देगा उनको, 1.31 लाख रुपया देगा, मतलब 1.5 लाख रुपया देगा, तो कोई भी सड़क जाएगा कि भाई हम भी चलते हैं। तो लोग वहाँ बमबारी हो रही है फिर भी जा रहे हैं। आप समझ लो किस लेवल की यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी है फैक्ट्रीज की या रिसोर्सेज की, कि क्यों मतलब कोई भी देश ज़्यादा पैसा दे रहा है सिर्फ इस वजह से जा रहा है, नहीं, यहाँ अगर वही काम वो करेंगे तो उनको 20-25 हज़ार रुपये मिलेंगे, और वहाँ जा रहे हैं तो उनको 1,31,000 मिल रहा है, बात समझ रहे हो। तो ये एक बड़ा चीज है, तो उनको लग रहा है कि यार 4 गुना इंक्रीमेंट सीधे मिल जाएगा, 1-2 साल अर्न कर लेंगे आराम से आके यहाँ ऐश करेंगे, उनके दिमाग में यही रहता है। तो ये क्लियर कट बात है, समझ में आ गया। तो बिहार का रोल समझते रहिए लोग, जिस दिन बिहार में फैक्ट्री वैक्ट्री खुल गई सब लोग यही काम करने लगेंगे उसके बाद। फिलहाल बिहार जो है, बिहार के बारे में प्रेजेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता है, पास्ट के बारे में बोलते हैं, लेकिन बौद्ध यहाँ के थे, जैन यहाँ के थे, घंटा यहाँ के थे, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग पढ़ाई करिए, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करिए, थोड़ा डीप नॉलेज बढ़ाइए, यही काम आएगा। अब देख लेते हैं हिस्ट्री का पोर्शन, हमने वो सारी चीजें देख ली जो आज करंट अफेयर्स में के साथ मैप में देखना था। तो भैया आ जाओ हिस्ट्री को देखो जरा, समझो क्या है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, ग्यासुद्दीन तुगलक जो था ये 1320 से 25 में, ये ग्यासुद्दीन तुगलक किस नाम, पहले नाम क्या था इसका, गाजी मलिक, ठीक है, ये खिलजी डायनेस्टी में खुसरू को मार करके खिलजी डायनेस्टी बनाता है। तो गाजी मलिक नाम था ये, और इसने टाइटल रख दिया ग्यासुद्दीन तुगलक, ही डाइड इन एक्सीडेंट, मतलब वो मर गया, और इसका बेटा कौन था, जौना, यही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ, MBT इसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो बना ना, तो इसका बचपन का नाम क्या था, जौना, तो इसी के नाम पे क्या है, जौनपुर, कौनपुर, जौनपुर, कौनपुर, जौनपुर, याद रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहता है, और ही इंट्रोड्यूस 5 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जैसे दोआब में इसने लगा दिया टैक्स, कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया कहाँ से, दौलताबाद से, मतलब दिल्ली से इसने लाया देवगिरी, और इसका नाम बदल दिया दौलताबाद, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये टोकन करेंसी बनाया, मतलब सबसे पहला अगर एक करेंसी देखोगे तो इसी ने बनाया है टोकन टाइप, जैसे हमारे पास जो 100 रुपए का नोट है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू वैल्यू 100 रुपए की होती है, तो इसी तरीके से इसने जारी किया था, लेकिन लोग उसका कॉपी बनाने लगे और कॉपी बना के इनका करेंसी की वाट लगा दिए। प्रपोज्ड खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन वेस्ट एशिया का यही एक पार्ट है, तो इसने कंधार, खुरासन, इराक को जीतने ये चल दिया बेचारा, और इसका सारा पैसा उसी में बर्बाद हो गया। कराची एक्सपेडिशन भी इसने किया था, कराची भी जीतने गया था, काश जीत के मिला दिया होता भारत में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, जौनपुर वाज एस्टेब्लिश बाई फिरोज शाह तुगलक इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जौनपुर को स्थापित किया था, उसके बेटे थे ये फिरोज शाह तुगलक, तो इसने जौनपुर की स्थापना की अपने पिता के बचपन के नाम में। अ न्यू डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात, खैरात समझते हो, खैरात वाज सेट अप टू मेक प्रोविजन फॉर मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स, खैराती नहीं कहते, खैराती जमीन है, फ्री का है, ले लीजिएगा ऐसे, तो ये कहाँ कहा जाता है, ये यूपी बिहार की भाषा बोलो, बोलते खैराती मतलब क्या हो गया, पुअर गर्ल्स के लिए इसने दीवाने खैरात बनाया था, जो डिपार्टमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये लोग बोलते हैं दीवाने खैरात, दीवाने वजूदा ऐसे टाइप। तो टू पिलर्स ऑफ अशोक, जो अशोक का दो पिलर था, एक टोपरा में था और एक मेरठ में, इन दोनों को ये दिल्ली लाया, पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो सोचा इसको पढ़वा के देखते हैं क्या लिखा है भाई, पुराने जमाने का है, और ये यही पे फिर मिला बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को, तो इसको अपने अपने जगह पे ले गया है, इसको म्यूजियम बना दिया गया बाद में। ही एस्टैब्लिश्ड अ हॉस्पिटल और दिल्ली दारुल शफा, इसने एक हॉस्पिटल बनाया दारुल शिफा, आपने भी देखा होगा अभी जो इसराइल अटैक कर रहा है हॉस्पिटल्स पे, उस शिफा नाम रहता है हॉस्पिटल में, तो ये अरबी रिलेटेड वर्ड है, मेडिकल साइंस में शिफा कहते हैं उसको, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब आपने देख लिया ये सारी चीजें, फिरोज शाह तुगलक ने क्या स्थापित किया था इसको आपने समझ लिया है। अब ये दारुल शिफा हो गया। सैयद डायनेस्टी,
सैयद में कौन कौन लोग हैं? कुछ ज्यादा इन्होंने काम कुछ खास नहीं किया है, जैसे खिज्र खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह, आलम शाह। देखो हमने डेली डेली करते करते आज मेडाइवल हिस्ट्री खत्म करने पे आ गए, मॉडर्न हमने खत्म कर दिया, अब एंशियंट पे लगेंगे और एंशियंट को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आखिर में आता है लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी, 1451 से 58 88 तक। ही वॉज द अफगान सरदार फाउंडेड लोदी डायनेस्टी, ये मतलब अफगान सरदारों में से एक था। ठीक है, अच्छा जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो परेशान नहीं होंगे। फिर इसके बाद सिकंदर लोदी आता है, और ही वॉज द सन ऑफ बहलोल लोदी हु कंकर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। सिकंदर लोदी ने जीत लिया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इसी ने सबसे पहले दिल्ली में से आगरा कैपिटल शिफ्ट किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने ही आगरा बसाया था एक्चुअली। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज पोएम इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। अब इनका जो नाम था लिखने का स्टाइल वो गुलरुखी स्टाइल था, इसने बनाया था। फिर लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी, और यही इब्राहिम लोदी को बाबर हरा करके कौन सा सत्ता बनाता है बताइए? बाबर का सत्ता क्या नाम था? बाबर आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है, तो बताइए कौन सा सत्ता था? बाबर ने देख रहे हो ना, सारे मंदिरों को तोड़ दिया उसने, मस्जिद बनवा दिया, ऐसा कर दिया कि जिंदगी भर लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। तो चलिए देखते हैं इसके अगले क्लास में बाकी सारी चीजें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी कमेंट हो तो जरूर पूछिएगा, जाते जाते आपसे सवाल पूछते हैं, लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? थैंक यू।